पहली बार विरोध की आग पंजाब तक पहुंची। प्रदर्शनकारी हाईवे पर हंगामा करने के बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और उसके बाद जो कुछ लुधियाना स्टेशन पर हुआ उसकी तस्वीर देखिए। तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ, ट्रेन रोकी गई। पहले स्टेशन के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ और फिर अंदर आके स्टॉलों और रेलवे काउंटरों पर तोड़फोड़ की गई। अब सीसीटीवी के जरिए उत्पात मचाने वालों की पहचान हो रही है। जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था ताकि पहचान न हो सके, लेकिन हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन अच्छी बात यह रही कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। छात्रों की इस नाराजगी के पीछे दो बड़ी वजह है। पहली ये कि विपक्ष इस स्कीम को लेकर लगातार सियासत कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी वजह ये कि नौकरी तलाश करने वाले छात्र इस बात को पचा नहीं पा रहे कि उन्हें सिर्फ 4 साल की ही नौकरी मिलेगी। और उसके बाद फिर वही अनिश्चितता। इसके अलावा छात्रों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि पिछले कुछ सालों से भर्ती बंद होने की वजह से जिनकी उम्र निकल गई है वो क्या करें। राजस्थान के भी शहरों में आज बवाल हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा झुंझुनू में हुआ। सड़कों पर एक बार फिर से युवाओं का आक्रोश नजर आया। सुबह से ही सैकड़ों छात्र सड़क पर आ गए, हाईवे पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे, टायरों को जलाकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शन की वजह से हाईवे ब्लॉक हो गया। पुलिस को खबर मिली तो प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस वालों ने पीटा। 2 घंटे तक ये तमाशा चलता रहा, उसके बाद हाईवे खाली हुआ। हरियाणा में भी अग्निपथ योजना का विरोध नहीं थम रहा। पलवल के बाद महेंद्रगढ़ में अग्निपथ के विरोध में उग्र प्रदर्शन हुए। शहर में इंटरनेट और SMS सेवा बंद होने के बावजूद सुबह से ही शहर के अलग अलग इलाकों में जमकर बवाल और आगजनी हुई। हाईवे पर लकड़ियां डालकर 20 सड़क पर आग लगा दी गई। तुलाराम चौक से स्टेट हाईवे पर शोरूम में तोड़फोड़ के साथ साथ सड़क किनारे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इस बवाल को रोकने के लिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार आमना सामना हुआ। पुलिस ने उपद्रवियों को सड़कों से हटाया भी, लेकिन कुछ देर बाद ही सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी फिर पहुंच गए। दिन भर शहर के अलग अलग इलाकों में ये भिड़ंत जारी रही। सड़कों पर हंगामा करने के बाद यहाँ भी प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन पर रखे सामान को पटरी पर रखकर भाग गए। रेलवे ट्रैक को उखाड़ने की भी कोशिश की गई, जिसकी वजह से कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। शाम तक पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन लगातार 3 दिनों से भड़क रहा है और अब ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत के कई शहरों तक पहुंच गया। जम्मू से लेकर कोलकाता तक आज प्रदर्शन हुआ, सैकड़ों को हिरासत में लिया गया। त्रिवेंद्रम और हैदराबाद में भी आज प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और सेना की अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ आवाज बुलंद। ब्यूरो रिपोर्ट जीवी। अग्निपथ योजना का सबसे बड़ा विरोध।